हम जो है आज हमारा नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं वर्तमान दो निश्चय। इस पाठ में जो है हम जो है धर्म और न्याय इन दोनों का महत्व ये जो पाठ है इस पाठ में देखने वाले हैं और चरित्रवाद यानी अच्छे चरित्र का व्यक्ति बनने के लिए हमें हमारे अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए ये भी इसके अंदर हमें देखने मिलेगा। और जो है हमारे अंदर जो है ये पाठ पढ़ने के बाद अच्छे संस्कार जो है हमारे अंदर आएंगे। इस पाठ के अंदर जो है एक वाराणसी का ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा है और जो है उससे जो है उसकी जो प्रजा है वो बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि वो जो है न्यायप्रिय राजा है और उसी नगरी में एक बोधिसत्व नामक जो है व्यक्ति है उनके पास जब ब्रह्मदत्त जाते हैं तो जो है उनसे सवाल पूछते हैं और वो क्या सवाल पूछते हैं और क्या है ये सभी जो है हम इस पाठ में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ निश्चय। तो देखिए बहुत समय पहले की बात है, वाराणसी नगरी में ब्रह्मदत्त नामक राजा थे। वे बड़े दूरदर्शी, सहृदय और न्यायप्रिय थे। अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे, इसलिए सभी लोग उनके व्यवहार से बहुत खुश थे। वे राजा के गुणों का बखान करते थकते न थे, परंतु राजा को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उन्हें उनके अवगुणों से परिचित करा सके। देखिए हमने देखा कि जो है वाराणसी नगरी के अंदर जो है एक ब्रह्मदत्त नामक जो है राजा थे और वो राजा जो है बड़े ही क्या थे, दूरदर्शी थे, सहृदय और जो है न्यायप्रिय थे और जो है अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते, उनके सुख दुख का ध्यान रखते, उन्हें किसी चीज की कमी न होने देते और इसलिए जो है उनके व्यवहार से सभी जो लोग हैं वो क्या थे, बहुत ही खुश थे। और अब जो है सभी जो है राजा के जो अच्छे गुण हैं उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे और इसलिए जो है वो राजा जो है बहुत ही लोकप्रिय थे। अब जो है इतना होने के बावजूद भी राजा जो है संतुष्ट नहीं थे। वो चाहते थे कि उनके अंदर जो अवगुण है, जो अच्छे गुण नहीं है उनके अंदर, वो जो गुण है जो अच्छे गुण नहीं है वो गुण कोई तो भी उन्हें बताए, ये जो है वो सोच रहे थे। उससे जो है उनके अंदर की जो बुराई है वो उनके उनके सामने कोई रखने वाला मिले ऐसा वो सोच रहे हैं। अब देखिए आगे एक दिन राजा ब्रह्मदत्त ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश में वेश बदलकर निकल पड़े। प्रत्येक प्रांत में जाकर उन्होंने लोगों से पूछा, परंतु उन्हें हर बार यही उत्तर मिला कि राजा ब्रह्मदत्त जैसा दयालु, विवेकशील और न्यायप्रिय राजा दूसरा नहीं है। अपनी प्रजा को खुश देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु अभी भी उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। पूरे राज्य में घूमते हुए वे हिमालय की ओर चल दिए। चलते चलते वे महात्मा बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचे। अंदर जाकर राजा ने महात्मा बोधिसत्व को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और चुपचाप एक ओर बैठ गए। उन्हें भूख प्यास भी लगी थी। बोधिसत्व ने उन्हें खाने के लिए जंगल के पके फल दिए और कहा, वत्स ये फल खाकर जल पी। अब देखिए हमने देखा कि जो है ब्रह्मदत्त नामक जो राजा है, जो राजा ब्रह्मदत्त है, उन्हें ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो कि उनके अंदर के जो अवगुण है उससे उनका सामना करा सके, उनसे परिचित करा सके। अब ये सोचते सोचते वो जो है एक दिन क्या करे, राजा ब्रह्मदत्त जो है ऐसे व्यक्ति की तलाश में अपने महल से निकल पड़े हैं और
जब वो महल से बाहर आए तब वो जो है उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का वेश लिया, अपना रूप बदल लिया। अब वो राजा के रूप में नहीं गए, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वो जो है अब अपने महल से बाहर निकले। अब उन्होंने जो है हर उनका जो राज्य था उनके राज्य में हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने लोगों से पूछा कि यहाँ का राजा कैसा है, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने राजा के जो है बुरे गुण नहीं बताए। सबने कहा कि राजा कैसा है, अच्छा है और न्यायप्रिय राजा है, ऐसा राजा हमें दूसरा कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा ही उनका कहना हो सकता है। तो देखिए फिर क्या हुआ कि राजा ब्रह्मदत्त जैसा दयालु विवेकशील और न्यायप्रिय राजा दूसरा नहीं है, ऐसा वो सभी कहते थे। अब जो है ये बात सुनकर जो है राजा ब्रह्मदत्त मन ही मन में खुश होते थे, लेकिन वो फिर भी क्या थे, अभी संतुष्ट नहीं थे। तो जो उनके मन में जो सवाल उठ रहा था, जो प्रश्न उठ रहा था, वो उस प्रश्न का जवाब अभी भी उन्हें मिला है क्या? जी नहीं। अब जो है वो पूरे राज्य में जो है घूमते रहे, यहाँ तक कि वो जो है हिमालय की ओर चल दिए। अब जब वो हिमालय की ओर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक आश्रम दिखा, वो आश्रम किसका था बताइए? जी हाँ, महात्मा बोधिसत्व का। अब वो जो है महात्मा बोधिसत्व के आश्रम में चले गए। अंदर जाकर जो है राजा ब्रह्मदत्त ने जो है महात्मा बोधिसत्व को क्या किया, आदरपूर्वक श्रद्धापूर्वक जो है उन्हें प्रणाम किया और जो है चुपचाप एक और एक कोने में जाकर वो बैठ गए। अब जो है राजा ब्रह्मदत्त को भूख लगी थी, वो क्योंकि जो है अकेले ही निकल पड़े थे, अब वो बहुत दूर आ गए थे, लेकिन उन्हें जो है भूख और प्यास भी लगी थी। तो ब्रह्मदत्त राजा ब्रह्मदत्त की ओर देखकर बोधिसत्व ने उन्हें जो है जो जंगल के जो पके हुए फल थे वो उन्हें खाने के लिए दे और कहा कि वत्स यानी बेटा ये फल खाकर क्या करूं, तुम पानी पी लो। ऐसा जो है राजा ब्रह्मदत्त से जो है महात्मा बोधिसत्व ने कहा है। आज एक जो है आप यहां पे देखेंगे, अब देखिए इस पाठ में आएंगे नए शब्द, ठीक है। तो देखिए तलाश यानी क्या, खोज, अवगुण यानी दोष, परिचित यानी जाना पहचान, श्रद्धापूर्वक यानी आदर के साथ, वत्स यानी बेटा। अब देखिए जो आपको शब्द हाईलाइट करने हैं, तो देखिए ये जो नए शब्द है ये आपको हाईलाइट करना है, तो है ब्रह्मदत्त इस शब्द को हाईलाइट कीजिए, दूरदर्शी इस शब्द को हाईलाइट कीजिए, सहृदय न्यायप्रिय आश्रम बोधिसत्व श्रद्धापूर्वक प्रणाम वत्स, इन सभी शब्दों को आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। और देखिए ये जो नए शब्द है ये आपका जो है क्लास वर्क है, और ये जो नए शब्द है ये आपका होमवर्क है, और इसे जो है आपको होमवर्क में 3 बार लिखना है, ठीक है। इस तरह से ये पार्ट आपने देखा, इसके आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।